First of all, Kiran, welcome to Money Control. And ये जो ऑफ सीजन में जो कैंप चल रही है, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और मेरे साथ, सॉरी मैं इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरे साथ मैम बैठी है और मैम लाइफस्टाइल की हेड है, तो वो भी आपसे इंटरेक्ट करने के लिए काफी एक्साइटेड थी. सो मेरा आप नाम चल थैंक यू ठीक थैंक है? यू। तो ऑफ सीजन में हम थोड़ा सा बेसिकली वर्क करते हैं बैटिंग फिटनेस और थोड़ा सा फील्डिंग पे, जो कि हमें हेल्प हो जाए आने वाले सीजन में। और जो हमें इंडियन प्लेयर्स जो भी है, जितने भी हैं इंडियन प्लेयर्स, उनका थोड़ा सा बॉन्डिंग और हम कैसे ज्यादा खेल सकते हैं, ज्यादा मैचेस कैसे जीता सकते हैं, वो सब चीजें के लिए ये कैंप लगाया था। अच्छा, और ये जो था कि WPL सीजन तो चलो खत्म हो गया, उसके बाद आपने क्या थोड़ा ब्रेक लिया था और क्रिकेट में वापस रिटर्न करने के लिए, इसके बारे में बता सकते हैं कि WPL सीजन जब से खत्म है और ये कैंप के बीच आपने क्या क्या किया? हम ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे तो हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे थे, थोड़ा पुणे भी हमें प्लान्स दिए थे हमारे फील्डिंग पे और फिटनेस को वर्क करने के लिए। जो ट्रेनर्स हैं एनसीए के, उन्होंने हमारे साथ काम किया है वो टाइम पे, फ्री टाइम में जो हमें मिल गया था। और यही हमारा पूरा क्रिकेट में चल रहा था, रेस्ट नहीं मिला है पूरा, क्योंकि एक एक दो टूर्नामेंट ऐड हो गए थे ना उसमें, इसीलिए। अच्छा, मैम वुड यू लाइक हाँ टू? जी, किरण आपने बताया कि आपके बीच में फिटनेस की ट्रेनिंग चल रही थी, और ये ट्रेनिंग चल रही थी कि किस तरह मैचेस को जीता जा सकता है और किस तरह टीम को जिताया जा सकता है। मेरे आपसे दो सवाल है मेनली इसमें। एक तो आप अपने सिक्स सेटिंग के लिए मानी जाती हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपका फिटनेस में क्या क्या आपका रूटीन रहता है, क्या आपकी डाइट पर भी कुछ फोकस रहता है? और दूसरा, जो आपने बताया कि टीम मैचेस कैसे जीते जाएं, क्या आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कुछ फोकस रहता है इस ट्रेनिंग में? जी, मैं क्या करती हूँ, मैं बड़े बड़े हिट्स मारती हूँ, तो उसके लिए मैं ज्यादा वेट ट्रेनिंग करती हूँ। और वेट ट्रेनिंग से मुझे थोड़ा सा हेल्प होता है पावर जनरेट करने के लिए। तो उसके साथ मैंने अभी एजिलिटी पर ज्यादा वर्क चालू किया है, क्योंकि फील्डिंग के लिए एजिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही अभी मैंने स्टार्ट किया है। किरण, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में बता सकते हैं आप कितना बेंच प्रेस करते हैं, या जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो किस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं? मैं डेडलिफ्ट अराउंड 100 और 110 करती हूँ, लेग प्रेस में 120 तक मैं लगाती हूँ 120, और मैं स्क्वाट भी 90-95 से लगाती हूँ, और वॉकिंग लंजेस वगैरह 60-70, और चेस्ट प्रेस 70-75 kg, इतना मैं वेट उठाती हूँ। जिनमें ग्राउंड के बाहर मैं बहुत शांत हूँ, मुझे ऐसा ज्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता। अंडरस्टूड। एंड योर मेंटल हेल्थ, कुछ मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग भी आपको उन्होंने दी? जी, एनसीए में थे तब, वहाँ पे मुग्धा मैम थे जो कि स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, वहाँ पे अपने साइकोलॉजिस्ट है, उनसे बात की हूँ मैं। और जब हमारे पुणे में कैंप चल रहा था, तो मैं पूरा 1 वीक उनके साथ थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ बेटर, की स्टार्ट तो मिलता है लेकिन फिनिश नहीं हो पाता है। दिमाग में आ जाते हैं कि यार, दो डॉट भूले होने के बाद हमें सिक्स ही मारना चाहिए। तो ये सब चीजें जो दिमाग में आती थी, वो अभी बंद हो गया है। उन्होंने बताया कि नहीं, इनिशियली तुम टाइम ले सकती हो वहां पे, कैसे कि अगर दो बॉल डॉट हो गई तो तुम तीसरा बॉल सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पे जा सकते हो, कि नेक्स्ट बैटर आके वो खेल सके और कवर कर सके, तो अपना टाइम लेके आप खेल सकते हो। जैसे अपूर्व देसाई सर थे एनसीए में, राजीव सर थे एनसीए में, उन्होंने भी मेरे से बहुत बात किया है, उन्होंने मेरे बैटिंग पे खूब बहुत सारा काम किया है। वो बोलते थे कि तुम तुम्हारा टाइम लेके खेलो, तुम ऐसी प्लेयर हो कि तुम कहीं से भी गेम चेंज कर सकती हो, तो तुम एक रश शॉट खेल के तुम आउट मत हो, अपना टाइम लेके आप पूरा खेल सकते हो। तो अभी ओलंपिक्स में आप जैवलिन और शॉटपुट भी खेलती थी, लगा कि मुझे भी जाना चाहिए था। थोड़ा सा लगा, लेकिन अभी मैं खुश हूँ क्रिकेट के साथ। लेकिन नीरज भाई से थोड़ी उम्मीदें थी कि वो गोल्ड जीते, लेकिन इंजरी से बाहर आने के बाद भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, तो मैं बहुत खुश हूँ अपने एथलीट्स के साथ कि उन्होंने अच्छा किया है सभी ने। अच्छा, सिंस हम आपकी सिक्स हिटिंग प्रोवेस की तो बात कर ही रहे थे, और हमें पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है T20 क्रिकेट में, इंडिया का अभी एक आई मीन लाइक T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप आने वाला है, एंड अनफॉर्चुनेटली आप उस स्क्वाड में नहीं हो, तो आप इसके बारे में बता सकते हो कि कहाँ चूक रहेगी या फिर कहाँ वो रहेगी और किस सेक्टर में मेहनत की ज्यादा जरूरत है? मुझे लगता है कि मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो वहां पे मैंने 2 इनिंग तो अच्छे खेलने चाहिए थे, जहाँ पे एक ही इनिंग अच्छा हुआ है मेरा।
और दूसरा था WPL में, और मैंने ज्यादा रन्स करने चाहिए, मतलब 250 वगैरह रन्स होने चाहिए टोटल्स मेरे, तो वहां पे चूक हो गई है। और दूसरी बात थी कि फील्डिंग पे मैंने और मेरे इम्प्रूव करना चाहिए, और क्योंकि अगर इतनी बड़ी टूर्नामेंट खेलने तो हम पूरी तरह से फिट चाहिए, क्योंकि एक अच्छा बैटर रन्स तो करता है लेकिन कभी कभी नहीं करता है, लेकिन एक फील्डर रन्स बचाता है टीम के लिए, तो वही एक फैक्टर होता है मैच में। तो मुझे लगता है वो सब चीजों में मैं थोड़ी सी कम पड़ गई, तो मैं अभी उस चीज पे ज्यादा काम कर रही हूँ। आप MS धोनी के बड़े फैन हो, हैव यू मेट हिम रिसेंटली? वो भी बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं और इतने सारे मैचेस जीता है, वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी थोड़ा सा गेम उसी तरह से करूं और अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतूं, क्योंकि अभी तक वुमेन्स ICC कोई ट्रॉफी नहीं जीती है, तो वो मेरा ड्रीम है कि मैं उसी तरह से रेडी हो जाऊं और एक वर्ल्ड कप अपने देश के लिए भी लाऊं। एक मैंने आपका कहीं और भी पढ़ा है कि शायद आपको भाग मिल्खा भाग पिक्चर बड़ी पसंद है, क्या आपको पिक्चर का जी, जनरली शौक है? भाग सॉरी, मिल्खा भाग आपको पिक्चर मैंने कहीं पढ़ा है कि आपको बहुत पसंद है, क्या आपको पिक्चरों का शौक है, क्या आप देखते हो पिक्चरें? मतलब मैं भाग मिल्खा भाग मूवी मतलब 1000 नहीं 100 टाइम्स तो देखी हूँ। मूवीज तो अच्छी लगती है, लेकिन एक्शन मूवी अच्छी लगती है, जैसे साउथ की मूवीज वगैरह, क्योंकि वो फाइटिंग वगैरह करते तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा डैशिंग वगैरह, तो देखती हूँ कभी कभी। लेकिन गाने बहुत सुनती हूँ मैं पूरा टाइम गाने सुनने में लगाती हूँ, अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे गाने चाहिए और कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए फिर बीच में। तो आपका फेवरेट गाना इस वक्त कौन सा है? जो है भाग मिल्खा भाग की भाग मिल्खा भाग जो गाना है ना, वही मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो आपके ऊपर अगर पिक्चर बने तो आप कौन चाहोगे कि कौन आपको प्ले करे? क्या पता, अभी उस बारे में कभी सोचा नहीं है मैंने, क्योंकि अभी उसके लिए बहुत सारा टाइम है। अभी पूरा सोच रही हूँ कि मैं अपने को फिट कैसे बनाऊं और वर्ल्ड कप कैसे जीतूं, तो उसी पे ज्यादा फोकस है। ये तो चीजें बाद में आएगी, तो पहले उसके लिए बनना तो पड़ेगा ना, तो तभी तो बनेगा वो। किरण जी, आपने ना जो पिछला क्वेश्चन मैंने पूछा था रिगार्डिंग कि आपको WPL ने एक स्पॉटलाइट दिया, इससे आपका ऑब्वियसली आप एक छोटे से गांव से आते हो, लेकिन वहां पे आपका रुतबा तो बढ़ गया होगा और काफी लोग इंस्पिरेशन ले रहे होंगे। आपने जवाब दिया, लेकिन वो नेटवर्क इश्यूज की वजह से थोड़े क्लियर नहीं थे, तो क्या आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, जब अभी गांव में अभी इतना सब चल रहा है ना, तो अभी वहां से कुछ लड़के इंस्पायर होके पुणे में आ रही है, और क्रिकेट खेलना चालू किया है उन्होंने, और उनके पेरेंट्स भी उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अभी, तो चेंज हुआ है पूरा उधर हमारे गांव में, और आसपास के गांव में भी बहुत पूरा चेंज हुआ है कि लड़कियां क्रिकेट खेल सकती है और वो एज अ करियर भी देख सकते हैं क्रिकेट को। तो आपके गांव में क्या ऐसी बात चली है कि चलो लड़कियां क्रिकेट खेल सकती, बट क्या कुछ कोचिंग खेलने वो वहां की ही आसपास जो प्लेग्राउंड है वहां पे खेल रहे, या कुछ एकेडमी बनाने की बात आपसे इंस्पिरेशन लेके कि हाँ यहाँ से भी टैलेंट्स निकल सकते हैं? हाँ, मतलब कुछ कुछ कोचेस सामने आ रहे हैं और उन्होंने कुछ एकेडमी भी स्टार्ट की है जो अकलूज में है, वहाँ पे एक क्रीड़ा संकुल है, तो वहाँ पे क्रिकेट कोचिंग भी चालू किया है और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी प्रैक्टिस के लिए आ रही है। अच्छा, और मेरा एक और सवाल ये था कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप छक्के बहुत बड़े मारते हैं, बहुत लंबे मारते हैं, तो आपको आपका कोई फेवरेट बैटिंग पोजीशन है, या कि मैं ओपन कर सकती हूँ, या कि ऐसा कोई फेवरेट बैटिंग पोजीशन है जहां पे आपको लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी निखरेगी या सबसे ज्यादा हाईलाइट? अभी 2 साल से मैं डोमेस्टिक में भी नागालैंड से खेल रही थी, तब से मैं ओपन ही कर रही हूँ, तो वहां से मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा सेट हो जाऊँ और मैं ओपन करूँ टीम के लिए, लेकिन रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग टीमों में, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जैसे WPL में अभी फिनिशिंग चाहिए, 4-5 नंबर पे चाहिए, क्योंकि ओपनिंग के लिए तो एलिसा हिली है, बेस्ट ओपनर है इन द वर्ल्ड, तो नीचे ग्रेस और मैं फिनिश कर सकते हैं अच्छे से, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि फिनिश भी अच्छे से करूँ। तो अभी जैसे ऑफ कैम्प चल रहा था, ऑब्वियसली कोचेस थे, तो आपकी इस विषय में बात हुई कि आप ओपन भी करना पसंद करोगे, क्योंकि आप रेगुलरली ओपन करते हो, आप टीम को एक बेहतरीन स्टार्ट दे सकते हो, जैसे कि हम देखते हैं शेफाली वर्मा भी देती है अपनी टीम को, वो भी काफी लंबे छक्के मारती है। हाँ जी, इंडियन टीम में भी वैसे ओपनिंग के लिए स्मृति और शेफाली है,
टू डाउन के लिए भी बेटर से, थ्री डाउन के लिए, लेकिन 5 नंबर पे कोई बेटर नहीं है। तो यूपी और एसएससी प्लान कर रहे कि अगर आपने अच्छे से फिनिश किया तो वहां पे जब की जगह भी हो जाएगी और इंडिया के लिए एक अच्छा फिनिशर भी मिल जाएगा। हम एज अ कोचेस भी सब यही बात कर रहे हैं कि आप 5 नंबर पे बहुत अच्छा खेल सकते हो और फिनिश भी कर सकते हो इनिंग को सर, और मैचेस भी जिता सकते हो। अच्छा, और जैसे कि आपको जो ये एक्सपोजर मिला, पहले आपने बताया कि आप नागालैंड के लिए खेलते हैं, तो वो हमें भी पता है कि आप नागालैंड के लिए खेलते थे, बट ये जो इंडिया टीम, आप पहले यूपी वॉरियर्स या डब्ल्यूपीएल एसोसिएट भी, वहां पे आपको काफी एक्सपोजर मिला, काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स, इनफैक्ट फॉरिनर्स के साथ खेलने का मौका मिला, फिर इंडिया में ऑब्वियसली इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, हालांकि वो आप जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही थी वो तो नहीं हुआ, बट आपको एक एक्सपीरियंस मिला ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने का। तो ऐसे कोई प्लेयर्स हैं अपार्ट फ्रॉम एमएस धोनी अपनी वुमेन्स क्रिकेट की सर्किट में जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हो? हाँ है प्लेयर्स, जैसे कि एक है हरमनप्रीत कौर है जो अच्छा फिनिश कर रहे, इतने सालों से खेल रहे, इंडिया के लिए मैचेस जिता रहे हैं। ग्रेस हैरिस है, ऑस्ट्रेलिया की पेरी है, एलिस पेरी है, सोफी डिवा सॉरी सोफी एकल्स सॉरी डिवाइन डिवाइन है ना, सोफी डिवाइन, हाँ, सोफी डिवाइन है। ये सब इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स है कि मैचेस वन साइडेड जीता के देते हैं। तो ये सब चीजें, ये सब प्लेयर्स मुझे इंस्पायर करते हैं कि मैं भी उन्हीं की तरह गेम फिनिश करूं, क्योंकि सेम स्ट्रेंथ तो हमारे पास भी है। मैम, यू हैव एनी क्वेश्चन? आई एक्चुअली हैव एंडलेस क्वेश्चंस, तो किरण हम आपको जाने देते हैं, नहीं तो हमारे तो सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे। बट अगर आप जाते जाते मुझे अपनी फेवरेट एक्सरसाइज बता दें, जो मैं अपने फिटनेस वाले क्वेश्चन पे वापस आ रही हूँ, आपकी फेवरेट और सबसे लीस्ट फेवरेट एक्सरसाइज जो आपको लगता है फटाफट खत्म करो, अब और नहीं करनी। लेग डे बहुत टाइट होता है, तो थोड़ा सा स्क्वाट लंजेस और ये दोनों चीजें मैं थोड़ा सा किसी की ये करती हूँ, तो वेट उठाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वेट ज्यादा उठाती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम किरण, एंड विश यू ऑल द लक फॉर द अपकमिंग सीजन, एंड हाँ, आप जब इंडिया के लिए खेलिए तब। थैंक यू सो मच।